तो जैसे कि मैंने आपको कल एक वीडियो दे दिया था जहां पर आईएसएल टीमों के हर कोच के बारे में हम लोग बात किए थे, तो हमारे स्पेशल सीरीज का वो पहला वीडियो था, ये सेकेंड वीडियो होने वाला है। इसके बाद लगातार आपको 10 टीमों के बारे में पता चलने वाला है। टोटल मैं आपको सिर्फ प्लेयर लिस्ट बताने वाला हूँ, आज तक जितना भी साइनिंग हुआ है हर टीम में वो मैं आपको बताने वाला हूँ। इसके बाद भी और भी साइनिंग होने वाला है, लेकिन उसके लिए आपको थोड़ा वेट करना पड़ेगा। आईएसएल स्टार्ट होने से पहले एक और सीरीज मैं आपको बनाकर बता दूंगा तब, लेकिन आज तक जितना भी कंफर्म हुआ है जिस जिस टीम में, मैं आपको सबके बारे में बताने वाला हूं। स्पेशली आज हम इस वीडियो में बात करेंगे बेंगलुरु एफसी के बारे में, इसके बाद धीरे धीरे हर टीमों के बारे में मैं आपको बताने वाला हूं। तो चलिए आज हम बात कर लेते हैं बेंगलुरु एफसी के बारे में, लेकिन स्टार्ट करते हैं हमारे इंट्रो के साथ। तो चलिए हम लोग आगे बढ़ते हैं, लेकिन उससे पहले मैं आपको एक चीज़ क्लियर करके बता देता हूँ कि अब लोगों को यहाँ पर कोई एनालिसिस नहीं मिलने वाला है भाई टीमों के बारे में, सिर्फ प्लेयर लिस्ट पता चलने वाला है, प्लेयरों के नाम पता चलने वाला है, साथ साथ उनके कॉन्ट्रैक्ट के बारे में भी मैं आपको बता दूंगा। तो हम लोग गोलकीपर से स्टार्ट करते हैं। तो बेंगलुरु एफसी ने अभी तक 3 गोलकीपर को अपने टीम में शामिल करके रखा है। पहला है भाई गुरप्रीत सिंह संधू, जिनका उम्र है 28 साल और इनका कॉन्ट्रैक्ट है 2023 तक। उसके बाद ललथुमा रोलते, इनका उम्र है भाई 27 साल, इनका कॉन्ट्रैक्ट है 2022 तक। उसके बाद है भाई आदित्य पत्रे, तो इनका उम्र है भाई 20 साल, लेकिन इनका कॉन्ट्रैक्ट ऑलरेडी ख़त्म हो चुका है, लेकिन सुनाई दे रहा है कि इनको रिटेन करने वाला है। और थर्ड गोलकीपर के चॉइस में आदित्य पत्रे रहने वाला है। इसके बाद अगर डिफेंडरों की बात किया जाए, तो भाई डिफेंडर में शामिल है वनन, जो स्पेन से बिलोंग करता है, उम्र है 33 साल, इनका कॉन्ट्रैक्ट है 2022 तक और इनका मेन पोजीशन है सेंटर बैक। उसके बाद है भाई प्रतीक चौधरी, इनका उम्र है भाई 30 साल, इनका कॉन्ट्रैक्ट है 2022 तक और इनका मेन पोजीशन है सेंटर बैक। नेक्स्ट खिलाड़ी है भाई अजीत कुमार, जिनका उम्र है 23 साल, इनका कॉन्ट्रैक्ट है 2023 तक और इनका मेन पोजीशन है लेफ्ट बैक। उसके बाद नवरेम रोशन सिंह, जो कि 21 साल का है, इनका कॉन्ट्रैक्ट है 2023 तक, इनका मेन पोजीशन है लेफ्ट बैक। उसके बाद राहुल बेके, इनका उम्र है भाई 29 साल, कॉन्ट्रैक्ट है 2021 तक और इनका मेन पोजीशन है राइट बैक। इसके बाद है जो जोहलियाना, जिनका उम्र है 21 साल और इनका कॉन्ट्रैक्ट है 2022 तक, मेन पोजीशन है राइट बैक। नेक्स्ट चलिए देख लेते हैं मिडफील्डरों को। तो यहाँ पर शामिल है भाई वांगयाम मोइरांग, जिनका उम्र है 21 साल, इनका कॉन्ट्रैक्ट है 2022 तक। इसके बाद नेक्स्ट खिलाड़ी भाई एरिक पार्टलो, ये ऑस्ट्रेलिया से बिलोंग करता है, विदेशी खिलाड़ी है, इनका उम्र है भाई 34 साल, इनका कॉन्ट्रैक्ट है 2022 तक, मेन पोजीशन है डिफेंसिव मिडफील्ड। इसके बाद दिमास डेलगाडो, इनका देश है भाई स्पेन, स्पेन से बिलोंग करता है, विदेशी खिलाड़ी है और इनका उम्र है 37 साल, कॉन्ट्रैक्ट है 2021 तक, इनका मेन पोजीशन है डिफेंसिव मिडफील्ड। इसके बाद है भाई सुरेश सिंह, जिनका उम्र है 20 साल, इनका कॉन्ट्रैक्ट है 2021 तक, मेन पोजीशन है डिफेंसिव मिडफील्ड। इसके बाद अजय छेत्री, जो कि भाई बेंगलुरु एफसी से हैदराबाद एफसी में लोन में गया था, लेकिन इस बार क्या करने वाला है बेंगलुरु एफसी मुझे पता नहीं है, लेकिन ऑलरेडी बेंगलुरु एफसी के साथ अजय छेत्री का डील है, इनका उम्र है 21 साल, डील है 2022 तक और मेन पोजीशन है डिफेंसिव मिडफील्ड। इसके बाद है भाई राफेल अगस्तो, आप लोग मुझे बार बार पूछ रहे थे, तो भाई राफेल अगस्तो के साथ अभी भी बेंगलुरु एफसी का डील बाकी है, ये ब्राज़ील से बिलोंग करता है, उम्र है 29 साल, इनका डील है 2021 तक और इनका मेन पोजीशन है सेंटर मिडफील्ड। उसके बाद है भाई हरमनजोत खाबरा, इनका भी डील है बेंगलुरु एफसी के साथ, लेकिन निकल सकता है ऐसा अपडेट आया है, इनका उम्र है भाई 32 साल, इनका डील है 2021 तक, मेन पोजीशन है सेंटर मिडफील्ड। इसके बाद लास्ट खिलाड़ी भाई लियोन ऑगस्टिन, जो कि भाई अभी तो उनके रिजर्व टीम में मौजूद है, लेकिन फर्स्ट टीम में लास्ट दिन उनको मौका मिला था, इसीलिए मैं इनको शामिल कर रहा हूं। इनका उम्र है भाई 21 साल, कॉन्ट्रैक्ट है 2023 तक, मेन पोजीशन है राइट मिडफील्ड। और यहाँ पर मैं आपको एक और चीज़ बता देता हूँ कि मिडफील्ड में रिजर्व टीम से और कुछ खिलाड़ी शामिल हो सकता है, ऐसा हमारे पास अपडेट आया है, लेकिन अभी तक कन्फर्म नहीं हुआ है कि कौन कौन आने वाला है, लेकिन आने वाला है। मैं आपको जब दूसरा वीडियो बनाऊंगा बेंगलुरु एफसी के बारे में तब बता दूंगा। अब चलिए हम बात कर लेते हैं नेक्स्ट फॉरवर्ड में कौन कौन शामिल है उसके बारे में। तो सबसे पहले भाई फॉरवर्ड में आस्तिक करुणियन आपको देखने को मिल जाएगा, इनका उम्र है 23 साल, कॉन्ट्रैक्ट है 2023 तक, मेन पोजीशन है लेफ्ट विंग। इसके बाद नेक्स्ट खिलाड़ी भाई उदंत सिंह, इनका उम्र है 24 साल, इनका कॉन्ट्रैक्ट है 2023 तक और मेन पोजीशन है राइट विंग। इसके बाद नेक्स्ट खिलाड़ी है भाई क्लिटन सिल्वा, जो कि ब्राज़ील से बिलोंग करता है, एक विदेशी खिलाड़ी है बेंगलुरु एफसी की टीम में, इनका उम्र है 33 साल और इनका कॉन्ट्रैक्ट है 2021 तक, मेन पोजीशन है सेंटर फॉरवर्ड और सेंटर फॉरवर्ड के अलावा विंग पर भी ये खेल सकता है।
उसके बाद कैप्टन लीडर लेजेंड सुनील छेत्री मौजूद थे। इनका उम्र है 36 साल, आपको पता है, और इनका कॉन्ट्रैक्ट है भाई 2021 तक, एक और साल बाकी है। इनका तो पोजीशन भाई विंग पर ही रहता है बेंगलुरु एफसी की टीम में, चाहे वो राइट पर तो नहीं रहेगा, राइट पर उदयंत रहेगा, तो लेफ्ट विंग इनका मेन पोजिशन रहता है, और अगर भाई ज़रूरत पड़ता है तो सेंटर फॉर्वर्ड में भी आ सकता है सुनील छेत्री। इसके बाद नेक्स्ट खिलाड़ी भाई देसन ब्राउन। हाँ भाई, देसन ब्राउन का भी अभी तक कॉन्ट्रैक्ट बाकी है बेंगलुरु एफसी के साथ। ये जमैका से बिलोंग करता है, उम्र है 29 साल, और इनका कॉन्ट्रैक्ट है 2021 तक, एक और साल का है, और इनका भी मेन पोजीशन है भाई सेंटर फॉरवर्ड, लेकिन विंग पर भी ये खेल सकता है। उसके बाद है भाई 6 नंबर पर सेम्बोई हाउकिप, जिनका उम्र है भाई 27 साल, और इनका कॉन्ट्रैक्ट है 2021 तक। सेम्बोई हाउकिप एक स्ट्राइकर है, यानी कि इनका पोजीशन है सेंटर फॉरवर्ड। उसके बाद पराग सतीश श्रीवास, इनका उम्र है 23 साल, इनका कॉन्ट्रैक्ट है 2022 तक, इनका भी पोजीशन है भाई सेंटर फॉरवर्ड। उसके बाद एडमुंड लालेडिन दिका, इनका उम्र है भाई 21 साल, और इनका कॉन्ट्रैक्ट है 2022 तक, मेन पोजीशन है सेंटर फॉरवर्ड। तो ये रहा भाई बेंगलुरु एफसी का टोटल स्क्वाड। आज तारीख है भाई 25 सितंबर 2020। कल इस वीडियो को मैं अपलोड करने वाला हूँ 26 सितंबर 2020। अभी तक जितना खिलाड़ी इनके टीम में कन्फर्म हुआ है सभी के बारे में मैं आपको बता दिया, और इसके बाद कौन होने वाला है मुझे भी पता नहीं है, आपको भी पता नहीं है। जब होगा उसके लिए मैं आपको एक नया लिस्ट प्रदान कर दूंगा, उसके लिए वेट करना पड़ेगा। खेल स्टार्ट होने से पहले मैं आपको जरूर बता दूंगा कि बेंगलुरु एफसी में टोटल कितना खिलाड़ी आईएसएल सीजन 7 में फिक्स हुआ है, लेकिन आज तक जितना भी हुआ है मैंने आपको बता दिया भाई। फिलहाल के लिए आज के इस वीडियो में इतना ही, आपको बहुत बहुत शुक्रिया टाइम निकाल के इस वीडियो को देखने के लिए। अगर आपको वीडियो अच्छा लगे तो लाइक जरूर कर दीजिए, अपने दोस्तों से इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कर दीजिए, ताकि उनको भी इस तरह की इंपॉर्टेंट चीज़ों के बारे में पता चले। और आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब करने के बाद ऑल नोटिफिकेशन ऑन कर दीजिए, ताकि आपको फटाफट नोटिफिकेशन मिल जाए जब भी मैं वीडियो अपलोड करूँगा।